किसान आंदोलन के चलते जहां किसान अपनी खड़ी फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करने का कार्य कर रहा है, वहीं करनाल इंद्री के गांव शेरगढ़ टापू में किसान नारायण द्वारा अपनी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर अपनी फसल को नष्ट करने का मामला प्रकाश में आया है। मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नारायण ने कहा कि केंद्र की सरकार नए कृषि कानून किसानों पर थोपने जा रही है, जिसके चलते किसान अपनी फसल को नष्ट कर देंगे और सिर्फ अपने लिए एक या दो किले कनक के रखकर अन्य फसल को नष्ट किया जाएगा ताकि केंद्र सरकार तक किसानों की आवाज पहुंच सके। वही किसान नारायण जब अपनी फसल पर ट्रैक्टर चला रहा था तो ग्रामीणों ने उसे रोकने के काफी प्रयास किए, परंतु किसान किसी की बात सुनने पर राजी नहीं हुआ और अपनी बात पर अड़िग रहते हुए खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करता रहा। यहां हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में लाए गए 3 नए कानूनों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसान बैठे हैं और ये तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर किसानों द्वारा गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिनके चलते किसान अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। समाचार एक्सप्रेस किसानों से आह्वान करता है कि वह अपनी फसल को बर्बाद ना करें और शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करें। देखिए किसान नारायण ने फसल नष्ट करने पर क्या कुछ कहा। नुकसान कोई नहीं मान रहा, कोई नहीं जब इतनी निपाई उठ लेना जिम्मेदार सब रात आधे मरण करे अजी वो MSP पे तो बिक नहीं रही। अच्छा हाँ, हम लोग इतना दूर से बिहार से आए हैं काम करने के लिए। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।